अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लगातार 3 बार पाने वाले इंदौर का मॉडल यूं तो पूरा देश अपना रहा है, लेकिन अब इंदौर की स्वच्छता की सुगंध विदेशों में भी फैलने लगी है। इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह और उनकी टीम को आने वाले दिनों में ताइवान जाकर इंदौरी मॉडल के बारे में विदेश प्रतिनिधियों को जानकारी देना है। ताइवान सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की ओर से स्मार्ट सिटी एक्सपो में इंदौर सहित दिल्ली और पुणे की टीम को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि यह इंदौर के लिए एक बड़ा मौका है, जब हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंदौर का मॉडल प्रदर्शित करेंगे। ताइवान गवर्नमेंट का एनजीओ है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, उसके द्वारा एक स्मार्ट सिटी एक्सपो समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें कि इंडिया की 4 या 5 सिटीज़ को उन्होंने इनवाइट किया है, दिल्ली की भी टीम को इनवाइट किया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ताइवान का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ताइवान में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत आगे हैं, उसका किस तरीके से इंडिया के शहरों में प्रयोग हो सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इस संबंध में एक एक्सपो रखा गया है। पूरी तरीके से इस पूरे एक्सपो को और पूरी यात्रा को वही लोग फंड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इंदौर के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो अगर हम लोग कुछ 1-2 इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ लाने में कामयाब रहे और जो हमारी चाहे ट्रैफिक से संबंधित समस्या हो या फिर हमारी सर्विलेंस से संबंधित समस्या हो, इसका अगर कोई हम लोग हल वहाँ पर ढूंढ पाए तो मुझे लगता है कि ये इंदौर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक और शैक्षणिक राजधानी इंदौर साफ सफाई के मामले में लगातार 3 बार नंबर 1 पर है। इंदौर की यही बात दुनिया में इंदौर की नई पहचान है। अब विदेश के लोग भी जान सकेंगे कि कैसे इंदौर के नागरिकों की इच्छा शक्ति ने इसे दुनिया में अलग थलग ले जाकर खड़ा किया है। स्पेशल रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।